हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं कम सिविल में पर्सनल लोन के बारे में। काफी मैंने वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे, कभी भी मैंने ये कहीं नहीं बताया या कभी भी मैंने किसी को ये रिकमेंड नहीं किया कि कम सिविल में इस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, यहाँ से लोन मिल जाएगा। कम सिविल में दोस्तों कभी भी कोई लोन नहीं मिलता है, ये आप लिख के ले लीजिए। कम सिविल में जो है आपको सिर्फ टेंशन मिलेगी। मेरे पास काफी लोग जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर कम सिविल में मेरे को लोन ऐप बता दीजिए। यूट्यूब पे मैं काफी सारे वीडियोस देखता हूँ जो उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं। लॉकडाउन में लोन 650 सिविल है तो भी मिल जाएगा, 600 सिविल है, 500 सिविल है, डिफॉल्टर है, सबको लोन मिलेगा। अब सिर्फ व्यूज पाने के लिए मैंने कभी भी अपने जितने भी वीडियोस बनाए, 170 वीडियो मैंने बनाए आज तक यूट्यूब पे, मैंने कभी भी कहीं पर भी इस तरीके का वीडियो नहीं बनाता कि आपको जो है कम सिविल पे लोन मिलेगा। कम सिविल में सिर्फ आपको जो है टेंशन मिलेगी। और कम सिविल पे कौन लोग लोन लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि कहीं डिफॉल्ट किया हो किसी ने, हो सकता है कि उसने उस किसी क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया, हो सकता है कि उसने किसी लोन का पेमेंट ही नहीं किया हो, डिफॉल्टर हो, सिविल के मतलब रिकॉर्ड में है कि उसने पेमेंट ही नहीं की कभी। वो लोग जो है परेशान होते हैं और वो लोग फंसते भी है। अब वो फंसते कैसे, जो आजकल इतने सारे लोन्स के ऐप आ गए हैं और इतने सारे जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, आप देखते होंगे यूट्यूब पे भी आते रहते हैं और आप फेसबुक पे भी देखते होंगे कि घर बैठे मैं लोन दूंगा, और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का फोटो लगा देते हैं, अमिताभ बच्चन का फोटो लगा देते हैं, किसी भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं उनका फोटो लगा देते हैं और घर बैठे लोन दूंगा, सिर्फ पैन कार्ड चाहिए, सिर्फ जो है आधार कार्ड चाहिए, सिविल हो जीरो तो भी हम लोन देंगे। वो लोन लेने के बाद जो सिविल बचा हुआ भी रहता है वो भी खत्म हो जाता है और ऊपर से और टेंशन सर पे बर्डन हो जाता है कि यार मैंने कहां से ये लोन लिया है। दोस्तों ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ, मेरे को आज जो है 1 साल हो चुके हैं टोटल यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए। जब लास्ट जब लॉकडाउन लगा था मार्च अप्रैल में, तो मैंने स्टार्ट किया था, मतलब अप्रैल मई के एंडिंग में जो है मैंने स्टार्ट किया था वीडियो बनाना। तो उस केस में जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैंने सेटलमेंट से ऊपर रिलेटेड वीडियो बनाया, कम सिविल में जो है क्या सचमुच में कोई लोन देता है, सारे मैंने वीडियो बनाए। कहीं पर भी मैं ये नहीं बताता कि आपको लो सिविल पे जो है लोन मिलेगा। दोस्तों जब भी आपका सिविल स्कोर कम होता है, या तो दो तीन रीजन से हो सकता है, या डिफॉल्ट क्या होगा, सेटलमेंट कराया होगा, या पेमेंट सही से नहीं आपने की होगी, आपका सिविल स्कोर 700 600 हो सकता है कि उससे भी कम हो, कभी भी कोई भी आपको जो है सिविल स्कोर आपका कम है और ये बोलता है कि हम लोन दे रहे हैं, ये लोन ऐप है, कभी भी उन चक्करों में ना पड़े। दोस्तों मेरे पास काफी लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं, परेशान है, 5,000 का लोन लेते हैं, 10,000 रुपए का लोन लेते हैं, 15,000 रुपए का लोन लेते हैं, और वो लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करके जब आप डिटेल अपलोड कर देते हैं, आपको 5,000 का लोन मिल गया, वो 5,000 से होगा क्या। आप मान के चलिए जो भी आपने जो आपकी नीड थी 5,000 में फुलफिल कर ली, उसके बाद जब आप उसका पेमेंट भी कर देते हैं फिर भी आपके सिविल रिपोर्ट में वो नेगेटिव एंट्री दे देते हैं कि इसका पेमेंट ही नहीं आया या इसने ओवर ड्यू कर रखा है। दोस्तों वो जो लोन के ऐप आते हैं उनको आपके सिविल से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐप जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन बाकी मगर 100 में से दो तीन आप कह सकते हैं कि सही है, नहीं तो 97 तो ऐसी ऐप है। सिर्फ अपना डिटेल अपलोड करते रहो अपलोड करते रहो, एक ना एक दिन ऐसा हो जाएगा कि फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। और फ्रॉड क्या होता है कि लोन एप्लीकेशन पे डिटेल डालते डालते आपके सिविल रिपोर्ट पे एक रिपोर्ट चली जाती है कि आपने जो है यहाँ से लोन अप्लाई किया और 5 लाख का लोन आपके सिविल पे दिखा रहा है और ऑलरेडी वो रनिंग में, और आपको पता ही नहीं है कि वो लोन मेरा है कि किसी और का है। फिर मेरे को मैसेज करेंगे या जो भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं उनको मैसेज करेंगे, सर मैंने तो ये लोन लिया ही नहीं था फिर भी मेरे सिविल रिपोर्ट पे शो कर रहा है। दोस्तों जो भी लोग वीडियो बनाते हैं या यूट्यूब पे भी बनाते हैं कि आप जो है लॉकडाउन में लोन ले, सिविल खराब है, या आपका सिविल जीरो है, या मतलब जीरो तो चलो एक केस में हो सकता है कि आपको लोन मिल जाए, लेकिन जो नेगेटिव सिविल है 500 400 300 जिसका सिविल है उसको भी लोन मिलेगा, मैं घर बैठे लोन दूंगा, इस तरीके का कोई भी झांसे में ना है। किसी भी का भी अगर सिविल खराब होता है, अगर सिविल स्कोर खराब है, डिफॉल्टर है, सेटलमेंट कराया है, आप 10 जगह हाथ पैर मार लीजिए, कोई भी लोन नहीं देगा, क्योंकि अगर आपका रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है तो कौन लोन देगा। जो 5,000 4,000 रुपए वाले जो लोन ऐप आ गए हैं जो लोन देते हैं इतने अमाउंट का, तो उनको सिविल से आपका कोई लेना देना नहीं होता। क्या पता आपको जो है 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोग लोन दे दे और फिर आप परेशान हो जाए कि यार मैंने कहां से ये लोन जो है ले लिया। कभी भी जो आपको ये बोलता है कि मैं यहां से इस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और लोन ले, उनसे ये बोलो कि खुद तो पहले लेके दिखाए। मैं वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, काफी लोग बनाते हैं कि आप लॉकडाउन में लोन ले, घर बैठे लोन मिलेगा, 50,000 रुपए का लोन, बस आप अपना आधार कार्ड दे, आधार कार्ड पे जो है 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको इजिली लोन मिल जाएगा। दोस्तों जब भी आपका सिविल स्कोर खराब हो जाए या सिविल रिकॉर्ड आपका जो है ठीक नहीं है, तो या तो गोल्ड लोन या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या पड़ोसी से लोन ले लेना, ये लोन ऐप के चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि वो और आपका सिविल ठीक जो ठीक ठाक होना वाला भी होगा वो भी खराब कर देंगे।
लोन एप्लीकेशन कभी भी डाउनलोड करके वहां से लोन ना ले, जब ले जब आपको जो है बहुत ही ज्यादा नीड है, और वो लोन ऐप डाउनलोड करें जिसका कस्टमर फीडबैक कैसा है, किस तरीके के उसके पास रिकॉर्ड है, कस्टमर सर्विस है कि नहीं है, कि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कम से कम आप कॉल करके या मेल करके उसे कम से कम कुछ पूछ पाए। जो आपको ये बोलते हैं कि घर बैठे लोन मिल जाएगा 50,000 का, 1 लाख का, और वो वीडियो भी अगर आप इवन देखेंगे यूट्यूब पे, तो वो सिर्फ आपको बताते हैं हाँ ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो खुद नहीं बताते कि हाँ ये सचमुच में लोन मेरे को मिला है। सिर्फ बोलेंगे ऐप डाउनलोड कर लो, घर बैठे 5,000 का लोन मिल जाएगा, 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आपका कम सिविल है तो आप पड़ोसी से ले लें, फ्रेंड सर्कल से कुछ टाइम के लिए वो पेमेंट ले लें, बाकी जो आपका सिविल का मैटर है तो एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या गोल्ड लोन लेके जो है अपना सिविल पहले इंप्रूव करें, फिर किसी लोन के लिए अप्लाई करें, ताकि आपका सिविल भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाए और फ्यूचर में आपको इजिली लोन मिल पाए। जब मैंने आज से 4 साल पहले जब सेटलमेंट कराया था, तो मैंने भी बहुत जगह जो है लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन लोन कहीं से नहीं मिला। आज मेरा सिविल स्कोर आप देखेंगे तो काफी अच्छा है। पहले अपना सिविल स्कोर ठीक करें दोस्तों, फिर जो है आप लोन के लिए अप्लाई करें। लोन आपको जो है कम सिविल पे कोई भी नहीं देगा, कम सिविल पे सिर्फ आपको मिलेगा टेंशन। और जो ये लोन के फालतू के ऐप आ गए हैं, कल को इसके डेट आप फंस जाएंगे, फिर फंस जाने के बाद आप खुद सोचेंगे कि यार मैंने कहां इस झमेले में पड़ गया, इस लोन के चक्कर में 4,000 का लोन नहीं दिया और इसने जो है मेरा सर के बाल उड़ा दिए। कभी भी आपका सिविल अगर खराब हो तो पहले इंप्रूव करने का सोचें कि सिविल इंप्रूव कैसे होगा, फिर किसी लोन के लिए आप अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों।